स्वागत है आपका। तो पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें रह गई थी, जिसमें से सबसे पहली है फॉर्मूला यूनिट क्या होती है। ध्यान से समझना फॉर्मूला यूनिट को। इससे पहले हम फॉर्मूला मास समझ चुके हैं। कुछ नहीं है, फॉर्मूला मास ये था कि जैसे हम मोलिकुलर मास निकालते हैं, वैसे ही हम आयनिक कंपाउंड्स के अंदर फॉर्मूला मास निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स मोलिक्यूल से मिलकर नहीं बने होते, ये आयन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम फॉर्मूला मास टर्म का यूज करते हैं। अदरवाइज तरीका सेम फॉलो होता है। अब फॉर्मूला यूनिट क्या होती है? द सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आयन्स दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन आयन्स का जिससे कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट प्रोड्यूस होती है, उसे हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट का मतलब क्या है और सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन आयन्स का इसका मतलब क्या है? जैसे कि हम कंपाउंड ले NaCl आयनिक कंपाउंड, कैटायन है यहाँ पर Na, एनायन है यहाँ पर क्लोरीन, सोडियम ये आपका मेटल है और क्लोरीन ये आपका नॉन मेटल है। जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से ही आयनिक कंपाउंड हमारे बनते हैं। तो ये NaCl जो हम फॉर्मूला देख पा रहे हैं, ये फॉर्मूला यूनिटी है। क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन है आयन्स का जो कि एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे? Na के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, ओवरऑल चार्ज देखो कितना है, जीरो। ओवरऑल चार्ज कितना है, जीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ओवरऑल चार्ज हो गया कंपाउंड के ऊपर जीरो। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल यूनिट। अब सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन आयन्स का यही तो है भाई, करोड़ों आयन्स होंगे, सोडियम के करोड़ों आयन्स होंगे, क्लोरीन के, हम उन्हें थोड़ा ना लिखेंगे, हम तो सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन लिखेंगे। एक ऐसा सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन जिससे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट प्रोड्यूस हो। थोड़ा सा और क्लियर होगा यहां से MgCl2 के एग्जांपल से, क्योंकि देखो MgCl2 में Mg के ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव, एक क्लोरीन के ऊपर होता है एक नेगेटिव का, दूसरी क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव का, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट बन रही है एक Mg और दो Cl से। क्यों? क्योंकि Mg के ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज, अब इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 नेगेटिव का चार्ज चाहिए। तो MgCl2 क्या है? एक फॉर्मूला यूनिट है। क्यों? सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन है आयन्स का जिससे कि एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट प्रोड्यूस हो रही है। तो अब आपका ये क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला यूनिट का कंसेप्ट क्या है, कि हम सारे आयन्स को ना दिखाकर केवल सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं आयन्स के जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल यूनिट प्रोड्यूस कर सके। आयन्स कितने भी हों, जितने पॉजिटिव आयन्स होंगे उतने नेगेटिव आयन्स होंगे, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है। आयनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड्स रखते हैं। आज क्लियर कर लेते हैं ये बॉन्ड्स होते क्या हैं, है क्या ये बॉन्ड। पहली बात तो ये केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब है कि अट्रैक्शन का फोर्स, ये बॉन्ड और कुछ नहीं है, अट्रैक्शन का फोर्स ही है। एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर चिपक के रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है जो कि इन्हें पास पास बांधे रखता है, दूर दूर नहीं जाने देता, उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड कई तरीके का हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब हम पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड का मतलब कौन सी फोर्स लग रही है? हर जगह अलग अलग फोर्स लगती है। यहां पर फोर्स लगती है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स लगती है? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। बॉन्ड है क्या? फोर्स। क्या है? फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन का फोर्स। तो आयनिक बॉन्ड में कौन सी फोर्स लगती है? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स लगती है। ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स चार्जेस के बीच में लगती है। आपका फर्स्ट चैप्टर भी है फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स लगती है, इसलिए हम बोलते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता है या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड यहीं से लिया गया है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स की वजह से। ओके, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सी फोर्स लगती है? वहां पर लगती है वेंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वेंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहां पर लगती है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी लिख लो नोट्स में, अभी डाल लो कि इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बहुत 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 ज्यादा बड़ी होती है वेंडरवॉल्स फोर्स से। जो वेंडरवॉल्स फोर्स होता है उससे काफी ज्यादा बड़ी होती है ये
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैन डेर वाल्स फोर्स से काफी ज्यादा बड़ी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में, जैसे आपने कॉमन सोल्ट, टेबल सोल्ट या रॉक सोल्ट देखा होगा। तीनों एक के ही नाम है, NaCl के, घर में आप यूज करते हो, नमक। सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में, व्हाइट कलर में। ऐसे ही जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। क्यों, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में लगी हुई होती है। देखो, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन की फोर्स होगी उतना ज्यादा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। समझ लो, चलो एक और बात समझ लो कि सॉलिड के बीच में जो फोर्स होती है अट्रैक्शन की वो सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड के बीच में और फिर गैसेस के बीच में। तो यदि किसी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, तो वो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो सॉलिड फॉर्म में होगा। यदि थोड़ी कम है अट्रैक्शन फोर्सेस की तो लिक्विड में, और बहुत कम है यदि फोर्सेस अट्रैक्शन की तो गैसेस फॉर्म में होगा। आई बात समझ में कि सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है। तो यही इसका रीजन है, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, इसलिए सॉलिड फॉर्म में रहती है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वॉटर और इन मोल्टन फॉर्म। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं वॉटर में, जब आप इन्हें वॉटर में डिजोल्व कराते, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड सारे। जब आप इन्हें डिजोल्व कराते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, और या मोल्टन फॉर्म में। मोल्टन फॉर्म का मतलब पिंगली हुई स्टेट में, आप इन्हें हीट देकर पिंगला दो, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। ऐसा क्यों होता है भाई साहब, सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं कराते? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में जिन आयंस से मिलकर ये बने होते हैं वे फ्री नहीं होते टू मूव, मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। थर्ड, सोल्यूबल तो है वॉटर में लेकिन दूसरी चीजों में सोल्यूबल नहीं है, जैसे अल्कोहल हो गया और दूसरे कोवेलेंट सॉल्वेंट्स हो गए। जब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कोवेलेंट सॉल्वेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। फोर्थ है, इसका रीजन भी पता चल जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन से जुड़े होते हैं। अब देख लेते हैं केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखें, कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखें। तो केमिकल फॉर्मूले का मतलब क्या है? केमिकल फॉर्मूले का मतलब है कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर क्या कंपोजिशन है डिफरेंट एलिमेंट्स की। आई होप समझ में नहीं आया होगा, तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से बेस्ट समझ में आता है। सबसे पहले रूल्स देख लो, केमिकल फॉर्मूला लिखने के क्या रूल्स हैं। वैसे क्या दिखाता है, कंपोजिशन दिखाता है डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपाउंड के अंदर, कि किस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, दो है, तीन है, चार है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले तो आप सिंबल्स लिखो हर एलिमेंट के, सिंबल्स आपको आने चाहिए, जैसे कॉपर का सी होगा, आयरन का एफ होगा, ये आपके सिंबल्स मैं बता चुका हूं पहले 30 एटॉमिक नंबर तक। दूसरा, फिर वैलेंसीज आपको पता होनी चाहिए, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी या चार्ज ऑन द आयन, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको वैलेंसी पता है तो आप वैलेंसी लिख दोगे सिंबल्स के नीचे, जैसे हाइड्रोजन की वन होती है तो उसके नीचे वन लिख दी, ऑक्सीजन की टू होती है तो ऑक्सीजन के नीचे टू लिख दी। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करें वो अब हम सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल नंबर वन वॉटर का, हाइड्रोजन की वैलेंसी वन, ऑक्सीजन की वैलेंसी टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मतलब जो ऑक्सीजन की वैलेंसी थी वो चली जाएगी हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में, और जो हाइड्रोजन की वैलेंसी थी वो चली जाएगी ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला, इसे हम बोलते हैं H2O को वॉटर। अब जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फर की 2 है, ये 2 चली जाएगी हाइड्रोजन के पास और 1 चली जाएगी सल्फर के पास, H2S फॉर्मूला, हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, कार्बन के ऊपर चली जाएगी 2 मतलब कार्बन के सबस्क्रिप्ट में, ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में चली जाएगी 4 कार्बन की, जो है फॉर्मूला आएगा C2O4। अब यहां पर एक बात नोट करने की है कि जब कटता हो, मतलब ये दो जो आए हैं सबस्क्रिप्ट में नंबर्स, यदि ये किसी सेम नंबर से कट रहे हो तो काट दो,
दोनों के दोनों टू से डिवाइड हो रहा है, तो टू से डिवाइड कर दिया और फॉर्मूला आ गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे आप हाइड्रोजन क्लोराइड का खुद लिखना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का खुद लिखना। ये टेट्रा वेट्रा क्या है इसके बारे में भी अभी बताऊंगा। अभी पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कि एक एलिमेंट है जड़, फॉर्म्स एन ऑक्साइड ZO3। एक एलिमेंट है जड़, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो अपना ऑक्साइड बनाता है ZO3। तो बताओ वैलेंसी क्या होगी जड़ की, और बताओ फॉर्मूला क्या होगा इसके फ्लोराइड का, मतलब जब ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन होगा तो क्या फॉर्मूला देगा। पहली बात जो आप गलती करते हो,